कॉम इंस्टीट्यूट को मैं तब से जानता हूं जब इसकी नींव गाड़ी गई थी. I remember being a media personality myself. Jan Sandesh used to be the news channel जहां पे मसूद एक छोटा सा बच्चा था. And he used to be always in tantrums. नहीं आपको तो आज प्राइम टाइम पे आना है चाहे कुछ भी हो जाए. दूसरे चैनल पे अगर आपने समय भी दिया है मेरे यहाँ पे आपको देना ही पड़ेगा. मैंने गाड़ी भेज दिया आपके घर के बाहर है. So that used to be Masood. I'm very happy कि वहाँ से आज यहाँ तक आ गए हो आप. Not only this, you have also become a pioneer for many youngsters जिनको आप गाइडेंस भी दे रहे हो और एक डिग्री भी दे रहे हो और उसके साथ साथ एक मिशन और मिशन के लिए भी तैयार कर रहे हो. और शायद ये चीज आपके लिए तभी संभव हो पाता जब आपके देवता तुल्य आपके पिता हैं, आपके चेयरमैन साहब, उनके गाइडेंस में आप यहां तक आ पाए हैं. मैं शत शत उनको नमन करता हूं. बिफोर आई स्टार्ट giving you some inputs and some guidance from my side, I always remember the Almighty. हमारे दुनिया में आज अगर दुनिया कायम है और दुनिया अगर जिंदा है तो वो उस ट्रिनिटी के लिए जिंदा है. The Trinity, जिसको हम लोग ईश्वर भी कहते हैं, अल्लाह भी कहते हैं, ईसा मसीह भी कहते हैं, गुरु नानक कहते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं. हिंदू धर्म में ट्रिनिटी को ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का स्तंभ कहा गया है. The Trinity is incomplete without the divine power of the Mother Goddess. किसी भी देश की निर्माण तब होती है जब उसकी नारी शक्ति बहुत बुलंद हो. I salute you, madam, for being the Consular General of a small country, Montenegro, which came up after the disintegration of Yugoslavia. And your mom, she is an inspiration in herself. शायद यही सब नारी शक्ति है हमारे देश के जिसके चलते भारत माँ भारती है. Friends, I have served the government of India during the Vajpayee regime as an advisor, and currently also I do help out the present dispensation. मीडिया के होने के नाते सार्वजनिक रूप से चीजें नहीं कर पाता हूँ, but I am dedicated towards that party and that ideology. So I do give a lot of guidance whenever required by the different ministers. I would have been very happy. हमारे देश की डेमोक्रेसी इसलिए इतना कामयाब है और इतना मजबूत है क्योंकि मुझे खुशी हुई थी कि मेरे ही मित्र कांग्रेस पार्टी के वो यहाँ पे अनिरुद्ध लाल, if I'm not mistaken, वो एक दो बार मेरे साथ दिल्ली प्रदेश से है, वो एक दो बार मेरे साथ मीडिया में डिस्कशंस में भी दिखी, बहस हुई है उनसे. भारत इसलिए मजबूत है और भारत इसलिए कामयाब है क्योंकि विपक्ष को प्रथम मौका दिया जाता है. एंड आई थिंक दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ आवर डेमोक्रेसी. यादिकि सर्वभूतेषु शक्ति रूपे नमस्तिता नमस्तस्वे नमस्तस्वे सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते. माँ दुर्गा को ये स्तुति डेडिकेट करते हुए मैं आपके सामने दो तीन बातें कहना चाहता हूँ. सबसे पहली बात यह है कि वी आर फॉर्चुनेट दैट वी हैव गॉट दिस फ्रीडम, फ्रीडम आफ्टर 300 इयर्स ऑफ कॉलोनियल स्लेवरी, 300 इयर्स ऑफ इंपीरियलिस्ट रूल, 300 इयर्स ऑफ ब्रुटैलिटी. पता नहीं कितने लाखों में लोगों ने आजादी के समय अपनी कुर्बानी दी है. आज पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा चल रहा है. भारत सरकार के तरफ से और भाजपा के तरफ से पूरे चारों तरफ तिरंगा यात्रा मनाया जा रहा है और शायद इतना पावन समय है अगस्त का महीना. अभी हाल ही में हम लोग 15 अगस्त भी सेलिब्रेट किए. तो इसलिए दो तीन बातें रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है. इतिहास के पन्ने से आपने बहुत सारी बातें उठाई, दो तीन बातें मैं भी शेयर करना चाहूंगा. आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ फ्रीडम फाइटर्स. माई मैटर्नल grandfather and my paternal grandfather were both with the Indian National Army, INA, Netaji Subhash Chandra Bose ke. Mere paternal grandfather Presidency College ke chhatra the. Netaji Subhash Chandra Bose jab
इंडियन सर्विसेज उस दौरान के जो आपके इंपीरियल सर्विस है जब वो सेकंड जब हुए थे और छोड़ दिए थे आईसीएस उसी दौरान मेरे ग्रैंडफादर पैटर्नल साइड से वो नाइन्थ पोजीशन पे आए थे और उन्होंने भी सुभाष चंद्र बोस के साथ आईसीएस छोड़े थे ये कहते हुए कि गुलामी मंजूर नहीं है हमने तो सिर्फ आईसीएस इसलिए दिया था क्योंकि हमें साबित करना था पूरे कॉमनवेल्थ कंट्रीज के बीच में कि हम भारतीय अछूत नहीं है या फिर कम नहीं है हम लोग भी बराबर हैं चाहे वो इंटेलेक्ट के मामले में हो चाहे वो बल के मामले में हो चाहे वो बुद्धि के मामले में हो एंड ही विद नेताजी सुभाष चंद्र बोस दे हैव थ्रोन द यूनियन जैक द फ्लैग ऑफ द इंपीरियल गवर्नमेंट फ्रॉम प्रेसिडेंसी कॉलेज और वहां पे भारत की जो पुरानी वाले जो तिरंगा का जो छवि था जिस पे चक्र लगा हुआ था द प्रीडेसेसर ऑफ द तिरंगा वो उन लोगों ने लहराया था जिसके चलते उनको नजरबंद कर दिया गया था और उसके बाद जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस काबलीवाला के पोशाक में जब कलकत्ता से भागे थे उस भागदौड़ में उस पलायन में मेरे ग्रैंडफादर भी थे आईएनए की जब रिवोल्ट हुई और आईएनए का जब ट्रायल हुआ रेड फोर्ट में जब पंडित नेहरू जी जब पूरा ट्रायल का वो कर रहे थे मेरे दोनों ग्रैंडफादर्स को सजाए मौत का सजा सुनाया गया था यहीं पे लाल किले पे भारत आज़ाद होने के बाद उनकी सजा माफ की गई और फिर वो लोग निकले थे बाहर सो कमिंग फ्रॉम दैट फैमिली आई अंडरस्टैंड व्हाट फ्रीडम इज ऑल अबाउट एंड आई अंडरस्टैंड व्हाट फ्रीडम मींस फ्रीडम इज समथिंग व्हिच इज अ वेरी हार्ड ओन बैटल जब तक आप कुर्बानी नहीं देते हो जब तक आप बलिदान नहीं देते हो तब तक आपको आजादी नहीं मिलती है दुर्भाग्यपूर्ण कहना पड़ता है बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड ग्लोबलाइजेशन एंड कॉर्पोरेट मॉडल विच वी हैव इमिटेटेड फ्रॉम वेस्ट एंड स्पेशली फ्रॉम द अमेरिकन मॉडल आज हम लोग इतना ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हैं और इतना सेल्फ सेंट्रिक कि वी डू नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्रीडम एंड वी डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज द एसेंस एंड वैल्यू ऑफ फ्रीडम माय डियर फ्रेंड्स बहुत लोगों ने कुर्बानी दे के भारत को आज़ादी दिलाई है इस आज़ादी को बौद्धिक रूप से इंटेलेक्चुअल रूप से सामाजिक रूप से सुरक्षित रखने के लिए पूरे दुनिया के जितने सारे टकराव हैं उन सब से सुरक्षित रखने के लिए आपकी बहुत बड़ी रोल है And I think media plays a very, very important role in this. And that's the reason why media is known as the fourth pillar of democracy. Media agar shikshit ho, bauddhik roop se, bahut sare media hote hain jo shikshit nahi hote hain, which means they don't have an independent mind. Cheen ki jo media hai, aap dekhe honge, they are behaving like barking dogs, doklam ko leke. Waisa media hamare desh mein nahi chahiye. और वो उस तरह के मीडिया किसी देश के पतन का कारण बनता है मीडिया प्लेज अ पिवोटल रोल ओनली इफ इट इज इंडिपेंडेंट एंड हाउ यू बिकम इंडिपेंडेंट यू बिकम इंडिपेंडेंट व्हेन यू हैव अ इंडिपेंडेंट माइंड व्हेन यू हैव अ इंडिपेंडेंट वे ऑफ थिंकिंग और देश भी तभी सुरक्षित रहता है समाज भी तभी सुरक्षित रहता है जब आप ये इंडिपेंडेंट थिंकिंग लेके आगे चलते हैं सरकार बहुत सारे फैसले लेते हैं जो देश के हित में होता है समाज के हित में होता है बहुत सारे फैसलों पे करेक्शन करने की बहुत आवश्यकता होती है विपक्ष एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है करेक्शन कोर्स के लिए बट आई थिंक अ वाइडर रोल इज बीइंग प्लेड बाय द मीडिया इफ मीडिया डजंट शो वेयर द गवर्नमेंट वेंट रॉन्ग और व्हाट नीड्स टू बी डन फॉर इम्प्रोवाइजेशन एंड फॉर इम्प्रूवमेंट आई डोंट थिंक सो एनी डेमोक्रेसी कैन फंक्शन वेल For us to function well, for India to be a vital democracy and to be the power and to be the pioneer of 21st world, we need to have stability of mind. We need to have integrity of mind. दो तरह के journalist होते हैं, दो तरह के media कर्मी होते हैं. एक होते हैं जो पिकाओ होते हैं, एक होते हैं जो कुछ भी हो जाए अपने ज़मीर को नहीं बेचेंगे.
वो जो मार्ग मार्ग है, वो जो माध्यम है, वो डिफिकल्ट जरूर है, पर गुलाब भी सुरक्षित तभी रहती है जब कांटों के बीच में हो। कांटों के मार्ग अगर आप नहीं चलोगे, कांटों के मार्ग से आप लांग के नहीं जाओगे, तो उस चट्टान का क्या स्वाद पाओगे? चट्टान का स्वाद तभी पा सकते हो जब भाई ने एक बार नहीं 100 बार गिरोगे। 100 बार गिर के जब उठोगे, then you'll be the brand ambassador of this country, then you'll be the cultural ambassador of this country, and then only you can make India strong, you can make India powerful. इस देश को अगर पुनः जीवित करनी है जननी के हिसाब से, ताकि ये कौटिल्य का भूमि दोबारा स्थापित हो, उसके लिए आप सबको कौटिल्य बनना है। कौटिल्य तभी बनोगे जब इंडिपेंडेंट माइंड रखोगे, किसी तरह के बायसेस में अपने आप को प्रभावित होने नहीं दोगे। And you all should be focused in your work and look for the destiny ahead. Destiny is always there. Maa Bhagavati ne de ke rakha hai destiny. Sirf shart yahi hai ki aapko kaise wo parit karna hai aur kaise wahan tak jana hai. Aur uske liye shraddha, buddhi aur stuti, ye tino ki bahut aavashyakta hoti hai. If you have all these three things in your mind, if you have these three things in you, you would be an asset not only for yourself, for your country, for the society, and of course for the whole nation. Jai Hind, Jai Bharat. We have within us a voice which we have always admired.